मस्जिद जाकर बस ये काम कर लो। आज घर में पेठा आया हुआ था, जिसे हम लोग मुरब्बा भी कहते हैं। ये खाकर असर की नमाज के लिए मस्जिद की तरफ निकल गया। क्या आप जानते हैं कि असर की नमाज सबसे पहले हजरत यूनुस अली सलाम ने पढ़ी थी, जब आप मछली के पेट से बाहर आए थे, और एक रिवायत के मुताबिक हजरत उजैर अली सलाम ने पढ़ी थी, जब आप 100 साल के बाद सोकर उठे थे। तो नमाज से बहुत पहले मस्जिद पहुँच जाता हूँ तो मस्जिद की सफाई करने लगता हूँ, क्योंकि हमारे नबी ने फरमाया, मस्जिद की सफाई करने वालों की कब्र नूर से भर जाएगी, और जो मस्जिद से एक तिनका भी हटाता है अल्लाह उसका भी उसे सवाब देता है। और अल्लाह की घर की सफाई करने से अल्लाह हमें इज्जत ही देगा। चाहे कोई डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, कलेक्टर बन जाए, चाहे कितने ही बड़े पोस्ट पर क्यों न पहुंच जाओ, लेकिन मस्जिद की सफाई करने को हमेशा फख्र समझो। झाड़ू लगा ही रहा था कि इतने में द मालूमात चैनल के 2 छोटे-छोटे सब्सक्राइबर मुझे देख लेते हैं और मुझसे मिलने आते हैं। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन छोटे छोटे बच्चों को भी इस्लाम के बारे में जानने और सीखने की इतनी दिलचस्पी है कि ये लोग अभी से ही इस्लामिक वीडियो देखते हैं।